भाई पीछे बाबा पीछे आ रहे हो सर। का आयोजन यहाँ विकास नगर चौराहे पर आपके द्वारा कराया गया। जैसा आप सबको मालूम है हमारा पूरा पुलिस फोर्स, पुलिस के सारे ऑफिसर्स, पुलिस के पूरे जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी पीठ दबाएं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार की फिक्र नहीं है, अपनों की फिक्र नहीं है और हमारे नागरिकों की फिक्र ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत आवश्यकता कि मैं और एसपी साहब आए और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं ताकि उनको हौसला मिले, हिम्मत मिले। थैंक यू। सही में कोरोना के टाइम्स पूरे इमोशनल हैं और हमारे कलेक्टर साहब का भी परिवार, फैमिली यहाँ पे नहीं है, हमारा भी फैमिली यहाँ पे नहीं है, यही हमारा परिवार है जो भी है, ये पुलिस और प्रशासन जो है, तो उनके साथ हम लोग आज डिनर कर रहे हैं। हम फैमिली को डेफिनेटली मिस कर रहे हैं पर ये एक छोटा सा वो है कि सब लोग फैमिली को मिस ना करें, इसलिए हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है काफ़ी, एंड फोर्स को भी अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो आवर ड्यूटी, उनके साथ रहना हमारा ड्यूटी है और दिस इज वन स्मॉल इवेंट। तुम क्या लगा खाने में, क्या अच्छा लगा आपको? आई लव द खिचड़ी बनाया है, सो इट वॉज डिनर सो वी वॉन्टेड टू कीप इट लाइट, काफी अच्छा लगा एंड थैंक यू आप सब लोग आए। मैसेज मैसेज तो कोरोना के टाइम्स में एक ही है, इफ यू रेस्पेक्ट द पुलिस, इफ यू रेस्पेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों को थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट है, हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग जो फैमिलीज को और इतने सारे सैक्रिफाइसेस करके जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी रेस्पेक्ट है तो प्लीज फॉलो लॉकडाउन रूल्स, जो अभी रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करें एंड ऑलवेज रिमेम्बर देवास रेड जोन में है, तो अभी जो लॉकडाउन के थोड़े रिलैक्सेशन दिए हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, जो पहले है यथावत वैसा ही रहेगा, तो काइंडली आप लोग बहुत अच्छे से अब तक सहयोग किया है पुलिस और प्रशासन का, आगे भी करें एंड आई प्रे कि देवास और देवास की जनता सब सुरक्षित रहे।